टीकमगढ़ सर्किट हाउस प्रेस वार्ता में बताया कि युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के निर्देश में अपने जिले की प्रत्येक विधानसभा में 2000 नए युवा साथियों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष समन्वय बनाकर मतदाता सूची का परीक्षण कर नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य भी दिया गया है। खासकर ऐसे युवा जो 18 से 25 वर्ष की आयु के हो, उन्हें एक माह में युवा कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्षों को बूथ चलो अभियान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तय किया गया है कि फरवरी अंत तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2000 युवाओं को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। जिला अध्यक्ष देवेंद्र भास्कर ने बताया कि इसमें उन युवाओं को फोकस किया जाएगा जो पहली बार मतदाता बने हैं। इनसे संपर्क करके पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया जाएगा। भास्कर ने बताया कि मतदान केंद्र स्तर पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाना है। प्रेस वार्ता में जिला संयोजक आईटी सेल जावेद खान, जिला महासचिव नीलेश जैन व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। हम सभी युवक कांग्रेस के साथियों को एक महीने के अंदर सभी मंडल का दौरा करते हुए एक बूथ 5 युवक का कार्यक्रम सभी जगह सुनियोजित करना, इसके साथ ही मैदानी स्तर पर 18 से 25 आयु के लोगों को जोड़ना, इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा में लगभग 2000 नए सदस्य को बना के तैयार करना। इसके लिए हमें एक बूथ 5 युवक कार्यक्रम सुनियोजित करते हुए कमेटी गठित करते हुए एक कमेटी को हम गठित करेंगे। वो गठित टीम प्रत्येक केंद्र पर जाके मतदाता सूची जो प्रकाशित हुई है उसको भी गांव गांव जाके उसका मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भैया विक्रांत भूरिया जी के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ पर एक बूथ 5 युवक कार्यक्रम का आगाज किया गया है, जिसके तहत बूथ चलो अभियान नीचे करिए कि आगे के कार्यक्रम की योजना के लिए हमने आपको आज आमंत्रित किया है। चूँकि प्रत्येक विधानसभा में हमें लगभग 2000 नए लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट मिला है, जिसका काम हम लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही 18 से 25 वर्ष के नए लोगों को जोड़ने का भी काम हमें करना है। इसके साथ ही जिस प्रकार बीजेपी के कई लोग नई मतदाता सूची में गलत नाम जोड़ के 2023 का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी प्रकाशन हमें गांव में जा जाकर उसका प्रकाशन कराना है और ऐसे लोगों को उस सूची से दूर रखना है जो गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।